बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही, जहां पर शातिर गौ तस्करों ने सरेंडर किया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही, जहां पर शातिर गौ तस्करों ने सरेंडर किया है। तो रहमान फैजान और इनामी रिजवान ने सरेंडर किया है, हाथों में शपथ पत्र लेकर अपराध न करने की कसम खाई। रहमान फैजान और रिजवान पर कई मुकदमे दर्ज है। तो आपको बता दें सहारनपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर शातिर गौ तस्करों ने सरेंडर किया है। रहमान फैजान और रिजवान नाम के इन बदमाशों ने सरेंडर किया है, हाथों में शपथ पत्र लेकर अपराध न करने की कसम खाई है और इन पर कई मुकदमे दर्ज है। बदायूं के हरिहरपुर में 5 महीने से लापता एक मासूम बच्चे का शव जो है वो बोरवेल में मिला है। आपको बता दें लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर किया गया और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और बोरवेल में उसका कंकाल मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के अवशेषों को पोस्टमार्टम करके डीएनए जांच के लिए भेजा है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के ही एक युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। तो बदायूं के हरिहरपुर में पिछले 5 महीने से लापता मासूम का बोरवेल में कंकाल मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के अवशेषों को पोस्टमार्टम करने के लिए डीएनए जांच के लिए भेज दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में शातिर बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। तो कोतवाली डिडौली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तमंचा, कारतूस और चोरी की 2 बाइक बरामद हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ा एक युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही, जहां पर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर शोले फिल्म के वीरू की तरह नजर आया। तो आपको बता दें युवक को समझाने की कोशिशें जारी हैं, पुलिस भी मौके पर मौजूद है और किस तरीके से ये शख्स हाथ में झंडा लिए हुए नजर आ रहा है। हरदोई की ये घटना, जहां पर कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अमरोहा में बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और आपको बता दें 3 शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर शराब माफियाओं पर यह कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई, तीनों की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरोहा का यह पूरा मामला है, जहां पर यह एक्शन हुआ है, तो 3 शराब माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और अमरोहा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शासन एवं डीजी मुख्यालय की तरफ से जो शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधी रविंद्र, चंद्रपाल और पुष्पेंद्र, जो थाना गजरोला के रहने वाले हैं, इनकी संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की लगभग कीमत 57,66,000 रुपया पाई गई है। एक और बड़ी